दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, ये है नागपंचमी वाले दिन का ब्लॉग। तो बस मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ, तो बस मैं जल्दी से नहा धोकर आ गई थी। और आज के दिन ना मतलब साफ़ सफाई भी थी घर में, और बहुत ज़्यादा झंझट वाला काम भी हो गया था। वो ये था कि ना, जैसे अब रक्षाबंधन पास में आ रहा है, तो मैंने सोचा चलो मेरे जो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई रही है वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि फिर दीदियाँ वीदी आएंगी तो घर अच्छा रहता है ना। मेरे को भी ये रहता है कि हर चीज़ ना साफ़ सुथरी हो। तो मेरे हस्बैंड तो बोले कि अनु दिवाली आएगी अब तो जल्दी से, डेढ़ महीने पीछे तभी करना। मैंने कहा नहीं भाई, थोड़ा थोड़ा है वो तो मैं कर ही सकती हूँ, बाद में जो डीप क्लीनिंग होगी वो तो होती रहेगी। तो पंखा वंखा मैंने चढ़ के साफ़ कर दिया वॉशिंग मशीन की हेल्प से। मैं इसके अलावा तो कहीं और चढ़ के नहीं कर सकती, मुझे हमेशा इसी पर चढ़ के सफाई करनी पड़ती है फ़ैन वगैरह की। एंड हस्बैंड को टाइम होता है तो वो करते हैं। उसके बाद मैं ड्रेसिंग टेबल वगैरह साफ़ किया और यहाँ अलमीरा के ऊपर साफ़ किया। पता है उस दिन ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो घर में ना लाइट है ना पानी है, और इतना तेज़ बारिश हो रही है ना सुबह से ही बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा चलो वीडियो अपलोड ही कर लेते हैं। बोलो हेलो बाबू। हेलो, ओले पाला पाला, कुछ तो खा के बैठी हो ना चंपा। और हाँ गाइज, ए मुझे किसी ने बोला था कि ना आपकी कैमरे की क्वालिटी अच्छी है, तो गाइज मैंने लाइट नहीं जला रखी है। जो भी उजाला है सन का है, सन लाइट पड़ रही है उसी का उजाला है, मैंने लाइट नहीं। तो गाइस ये लग गया है हमारा आज का खाना, मैंने यही बनाया था, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, तो आप लोग भी खा लीजिए। उसके बाद गाइज मैं यहाँ पे बैठ गई खाना वाना खाने के लिए। बहुत लेट हो गया था खाना खाने के लिए, और जब आप बहुत लेट खाना खाओ ना तो आपको बड़ा मज़ा आता है खाना खाने में, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस मैं आलू को बूंदी खिला रही थी, उसको बूंदी काफ़ी पसंद है। तो फ्रीज का रायता था तो उसको रायता तो मैंने नहीं खिलाया, लेकिन वो भी ठंडी थी क्या, लेकिन उसको ना शौक बहुत होता है। और यहाँ देखो ये चिमपी करवा रही है, चम्पी चिमपी, इसको बड़ा अच्छा लगता है। मुझे इसके साथ इस तरह से करना मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, सच में बहुत सुकून मिलता है यार उसको देख के मुझे। हाय हाय, आजा ना बाहर, कितनी खुश है चंपा। तो उसके बाद गाइज मैंने यहाँ पे कर दी थी प्रेस। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चों के कपड़े पे हस्बैंड के कपड़े जो पड़े हैं प्रेस कर देती हूँ। फिर ना मैं क्या करती हूँ, चार पांच दिन के एक साथ तरफ रख लेती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। एंड यहाँ पे उसके बाद मैंने कर दी दिया बाती। तो बस उसके बाद दियाबाती करके मैं कपड़े नहीं लगाए थे अलमारी में, तो मैंने सोचा लगा देती हूँ, अब बच्चे का सोने का टाइम है तो बच्चे सोएंगे, तो फटाफट से जल्दी से अलमीरा में कपड़े मैंने लगा दिए। और कपड़े अच्छे प्रेस करे हुए ना अलमारी में तभी अच्छे लगते हैं, बिना प्रेस के तो बिल्कुल भी नहीं। सारी सफाई वफाई हो गई, और आज ना मतलब बहुत दिन से मतलब फेस्टिवल की जो सफाई थी ना वो मेन जो होती है ना वो हो गई। मतलब जैसे अब रक्षाबंधन वगैरह आएंगे तो छोटी मोटी सफाई हुई है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं। और देखो दीपक जला, मैंने अभी दिखाया, लाइट बंद कर दी है क्योंकि बच्चे सो रहे हैं, और अभी भी ना बाहर हल्की हल्की बारिश है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय बाय, गुड नाइट।